अभी दिन के 10:30 बजने वाले थे। मेरे जहन में ख्याल आया, काम भी कोई नहीं, वक़्त भी है और दोस्त भी आवारा होंगे, क्यों ना किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह का विज़िट किया जाए। मैंने एक दोस्त को कॉल लगाई। हाँ भाई, कहाँ है? उसने कहा, यार अभी घर पर ही हूँ। मैंने उसे अपने घर बुला लिया। दूसरे दोस्त को कॉल लगाई और कहा, चल भाई चलते हैं। वो भी मेरे घर आया। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने आप लोगों को सोनार डन्ना ले जाने के लिए बुलाया है। पहले तो वो साफ साफ इनकार करने लगे, फाइनली उनको तैयार होना पड़ा। इससे पहले कि हम अपने सफ़र की दास्तान शुरू करें, हम आपको सोनार डन्ना में एक बेहद खूबसूरत झील के बारे में बता दें जहां हमने अभी जाना है। यहां की लोकल लैंग्वेज में इस जगह को सोनार डन्ना कहते हैं जहां यह झील वाक़ है, और इस झील को डन्ना झील या सरपोस्ट झील कहते हैं। गांव सोनार से तक 30 मिनट की दूरी पर एक गांव है जिसे सोनार बाला कहते हैं। सोनार बाला से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ यह मुकाम सोनार डन्ना इंतहाई दिल फरेब नज़ारों से मालामाल है। सोनार वादिया गुरेज ज़िला नीलम में एक गांव का नाम है। हमने बाई रोड जाने का फ़ैसला तर्क करके जंगल के रास्ते से जाने को तरजीह दी। जब हम अपने गांव से निकले तो 11 बज चुके थे। पहले हम लोग हलमा चले गए जो कि हमारे गांव के बाद वाला गांव है। वहां से हम जंगल वाले रास्ते पर निकल पड़े। I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leave it. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? बीती ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ, उनकी सुनी कुछ अपनी सुनाई, बालाखर हम सरदारी गांव पहुँच गए। वहाँ हमने एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत दिल का शाबशार देखी। थोड़ी देर वहाँ रुके। हाइड, हाइड, हाइड,
to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I keep my mouth shut and not listen. Afraid I... फिर निकल गए अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। सरदारी से हम एटलीस्ट 30 मिनट के बाद सोनार गांव पहुंच गए। वहां हमारा एक दोस्त पहले से हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसने हमारा वेलकम किया, उसे हमने अपना गाइड बना लिया। सोनार बाला पहुंचे, वहां से एक और दोस्त साथ हमारे चल दिया। रास्ते में हमने कई खूबसूरत आबशारें, वादियां, दिल फरेब नज़ारे देखें। सोनार बाला से सोनार डन्ना तक हमें 1 घंटा 45 मिनट लगे। रास्ते में हमने थोड़ा बहुत शुगल मेला भी लगाया। यह है सरपोस्ट झील। यह अपने दिलकश मनाज़र की वजह से बहुत मकबूल है। खूबसूरत रुका हुआ यह पानी और सरसब्ज घास इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। यहाँ से एक तरफ आपको इंडियन आर्मी की पोस्ट और एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत पहाड़ियाँ भी नज़र आ सकती हैं, जो रास्ते की थकन और सफ़र की मुसाफत को भूल जाने के लिए काफ़ी है।
عوام علاقہ اور سر پوسٹ جھیل دیکھنے والے حضرات کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اب آپ اپنی گاڑی لے کر بھی یہاں آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب یہاں تک گاڑی کا راستہ بحال ہو چکا ہے۔ پورا دن ان قدرتی مناظر کو دیکھ کر جب شام کو ہم گھر لوٹنے لگے، میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ان دل فریب دلکش حسین و جمیل وادیوں، پہاڑوں، آبشاروں کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک ہی بات لب پر آتی تھی، گر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است۔ اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است۔